बीते दिन ही अमृतसर विच पुलिस की मौजूदगी विच गोलियां चला के बदमाशी का नंगा नाच करन वाले चरणदीप सिंह बब्बा नूं पुलिस वल्लों अज गिरफ्तार करन तों बाद कोर्ट विच पेश किया गया, जिथे कोर्ट वल्लों उसका रिमांड दिता गया। पुलिस ने मुलजम कोलों ओह पिस्तौल भी बरामद किया जिस तों उसने गोलियां चलाई सी। जिक्रयोग है कि बीते दिन ही शाम 100 फुट रोड से जमीनी विवाद नूं लैके दो गुट आपस विच भिड़ गए सन। हालांकि मौके ते पुलिस भी मौजूद सी अते उन्हां दे सामने ही कौंसल दे पुत्तर चरणदीप सिंह बब्बा ने 4 गोलियां चलाईयां जिस विच 2 नौजवान जख्मी हो गए सन। चरणदीप दी एक गोली राजे नां दे व्यक्ति दे सिर विच लगी अते दूजी लत्त विच लगी जिस कारण उसकी मौके ते मौत हो गई सी। ते जो चौथी गोली उस वल्लों चलाई गई सी ओह उत्थे मौजूद एक कार मकैनिक ऋषि नूं लगी सी ते इन्हां दोवां नूं हस्पताल लिजाया गया जिथे ऋषि अजे जेरे इलाज है। तो जिस व्यक्ति की मौत हो गई सी उसका नाम राजा दसया जा रहा है। तो राजे की लाश नूं मुरदा घर विच रखवाया गया है अते अज सवेरे पोस्टमार्टम तो बाद उसके परिवार नूं सौंप दिता गया सी। दूजे पासे पुलिस ने घटना वाली थान की फुटेज अते स्थानक लोगों के बयान के आधार से चरणदीप सिंह बब्बा खिलाफ कार्रवाई की है। चरणदीप बब्बा अमृतसर के वार्ड नंबर 45 की दलवीर कौर का पुत्र है। दलवीर कौर ने पिछली बार कांग्रेस नाल मिलके चोन लड़ी सी। दलवीर कौर अते चरणदीप बब्बा दोवें नवजोत सिंह सिद्धू दे काफी करीबी मन्ने जांदे ने। पर विधानसभा चोणां अते सिद्धू दी प्रधानगी तो बाद आम आदमी पार्टी दे विच इन्हां वल्लों शमूलियत कर ली गई सी। हालांकि पुलिस वल्लों जिस तरह इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उस विच भी काफ़ी मुशक्कत आई। पुलिस वल्लों भी दस्या जा रहा है कि जदों इन्हां दे वल्लों फायरिंग की जा रही सी तां इन्हां वल्लों उत्थे मौजूद प्रशासन का भी कोई भी ध्यान नहीं रख्या गया। इन्हां वल्लों सीधे तौर पर लोगों के विच अपनी दहशत बनाने के लिए यह फायरिंग की गई सी। हालांकि इस मामले संबंधी पहला भी पुलिस के कोल कुछ कंप्लेटा आ चुकी ने, परंतु पुलिस वालों का कहना है कि इस मामले की हुण होर भी बारीकी दे नाल जांच पड़ताल की जाएगी। तो इस दे विच होर भी जे कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी बनती कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख मुलजम चरणदीप सिंह बब्बा नूं बीते दिन ही गिरफ्तार कर लिया सी ते अज कोर्ट विच पेश किया गया सी जिथे उसका अज रिमांड हासिल होया। हालांकि हुण वेखना होवेगा कि जदों इस तों पुछगिछ की जाएगी तो होर किहड़े-किहड़े मुलजम जां इस वल्लों किस दी शह दे उत्ते इह सब कुछ किया गया है वो आने वाले समय के स्पष्ट होगा।